विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में वाईएस शर्मिला कांग्रेस में हुई शामिल, बोली इस पार्टी ने किया भारत की बुनियाद का निर्माण। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की आत्मा हिंदू, राजीव गांधी भी राम मंदिर बनाना चाहते थे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 22 जनवरी को लेकर की खास तैयारी, बोले जहां जहां भगवान राम के पड़े चरण उन्हें बनाया जाएगा तीर्थ स्थल। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक 9 जनवरी को, सांसदों के निलंबन पर हो सकता है बड़ा फैसला, शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से 146 सदस्यों को किया गया था निलंबित। सीएम केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और बीजेपी इस पर दाग लगाना चाहती है। बीजेपी के गढ़ में केजरीवाल दिखाएंगे दम, 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे केजरीवाल, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें हुई लेट। दिल्ली में कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लेट। पेट्रोल सस्ता करने पर जनवरी के बाद ओएमसी ले सकती है फैसला, हरदीप पुरी बोले खुदरा कीमतों पर कोई वार्ता नहीं। विराट कोहली ने राम सिया राम गाने पर जोड़े हाथ, एल्गर को आउट होने पर गले लगाया। इतिहास में सबसे छोटा रहा कैप टाउन टेस्ट, सिर्फ 107 ओवरों में ही निकल आया परिणाम। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी 7 विकेट से मात, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। डॉक्टर्स ने शॉक देकर श्रेयस की जान बचाई, इंसिडेंट पर पहली बार बोले एक्टर, ट्रीटमेंट के दौरान क्लिनिकली डेड था, ये मेरा दूसरा जन्म है।